दोस्तों बिग बॉस के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स के लिए बिग बॉस को स्पेशल कर रहे हैं, है ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। ये आप मैं हम सब जानते हैं कि भाई जिस तरीके से इस बार का बिग बॉस हो रहा है ना, मतलब जितना शांत दिख रहा है उतना शांत माहौल है नहीं। और इस बार का बिग बॉस पक्का कुछ नेक्स्ट लेवल होने वाला है। टाइम ट्रैवल, टाइम का तांडव, साइंस एंड बियॉन्ड और समय की इज्जत बिग बॉस के घर के अंदर करना, ये जो शुरू हुआ है ना सिस्टम, मतलब बिग बॉस चाहते हैं से बिग बॉस जानते हैं का जो सफ़र हुआ है, नेक्स्ट लेवल हुआ है भाई। एक कंटेस्टेंट है जिनका नाम है मुस्कान बामने। मुस्कान अगर मैं कहूँ तो भाई शी इज़ टू इनोसेंट फॉर द शो, बिकॉज मुस्कान जैसे प्योर लोग ना भाई बिग बॉस जैसे घर में सर्वाइव जल्दी नहीं कर पाएंगे। अब मैं भाई इसको कोई गलत इंटेंशन से मत लेना कि मैं नहीं चाह रहा हूँ ऐसा कुछ, मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ कि भाई मुस्कान जो है ना भाई उनका मतलब अगर मैं देखूँ तो दिल बहुत साफ है। प्लस उन्होंने खुद इस चीज़ को असर भी किया कि मैं हमेशा परिवार के बीच में ही रही हूँ सबसे ज़्यादा, तो समझ रहे हो जो परिवार के बीच में वो रही हैं, मतलब उनकी फैमिली भी स्टेज पर आई थी, बहुत ज़्यादा शांत लोग थे भाई। अपने हक के लिए लड़ना अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके का शो बिग बॉस है ना भाई, ये मांगता है आपसे कि लड़ो, चीखो, दिखो। मुस्कान बामने वो चीज़ शायद नहीं कर पा रही है। और ऐसे में अगर आपको बताऊं तो बिग बॉस के घर के अंदर दो लोग हैं, अरफीन खान और सारा अरफीन खान। अरफीन खान जो है वो माइंड कोच है और वो मुस्कान बामने को ट्रेन कर रहे हैं। अभी लाइव फीड में रूम में आती हुई दिखती हैं एक कंटेस्टेंट, जहां पर अरफीन क्लियरली कहते हैं कि प्लीज़ बाहर ही रहो। बिग बॉस ने कहा है कि रूम में सिर्फ हम दो ही लोग रहेंगे और हम दो ही लोग बात करेंगे, जिसमें अरफीन क्लियरली मुस्कान बामने का माइंड स्ट्रांग करते हुए दिखते हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें समझाते हुए दिखते हैं। अगर इसका मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊँ तो कल जब एपिसोड ख़त्म हुआ था और अपकमिंग नेक्स्ट एपिसोड में जो चीज़ आने वाली थी उसमें मुस्कान जो है वो रोते हुए दिखाई देती हैं, तो दोस्तों शायद इसी के चलते हो सकता है कि मुस्कान बामने के लिए ये चीज़ बिग बॉस ने करवाई हो। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।